उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी शहीद स्मारक में आज बेरोजगार युवाओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध, बढ़ती घोटालों एवं अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। राज्य आंदोलनकारी देवेंद्र नौडा ने कहा कि जिस प्रकार से आज उत्तराखंड प्रदेश सरकार में घोटालों की बारिश आ गई है, उसमें हमारे युवाओं का भविष्य खतरे में पड़ गया है। उन्होंने कहा कि अंकिता हत्याकांड में संलिप्त लोगों को अभी तक सजा नहीं सुनाई गई, ऐसे में अंकिता को न्याय कैसे मिल पाएगा। कांग्रेस जिला अध्यक्ष राकेश राणा ने कहा कि ये सरकार निरंकुश हो गई है जो युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने कहा कि आज जितने भी घोटाले हुए हैं सभी में बीजेपी के लोग संलिप्त पाए गए, ऐसे में सरकार सीबीआई जांच से बचना चाह रही है। इस मौके पर सभी राजनीतिक दलों के लोग उपस्थित रहे। टीम यूके लाइव। जो बेरोजगार अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे और उन पर देहरादून में जो बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया पुलिस के द्वारा सरकार के इशारों पर, उसके विरोध में और जो वो मांग कर रहे हैं कि आप जितनी भी भर्तियां हुई हैं UK SSSC की, UK PSC की, इन सारी भर्तियों पे जो है CBI जांच करवाइए और कोई भी अन्य परीक्षा इसके बाद करवाइए, उस मांग का हम समर्थन कर रहे हैं। उसके समर्थन में और उन लड़कों पर हुए लाठी चार्ज के विरोध में आज हमने यहाँ के तमाम जागरूक नागरिक जो इस शहर के और तमाम आसपास के लोग हैं उन्होंने यहाँ पर ये धरना विरोध स्वरूप यहाँ पर रखा है और हम इस कार्यक्रम को, इस आंदोलन को निरंतरता में जारी रखेंगे और युवाओं के साथ, अपने बेरोजगार साथियों के साथ हम हर कदम पे खड़े हैं और सरकार को चेता रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर राज्य आंदोलनकारी लोग हैं और ये सारे लोग हैं, इन्होंने इस दिन के लिए तो कम से कम आज के लिए ये उत्तराखंड नहीं मांगा था, तो कम से कम उन युवाओं की, इस प्रदेश के हित में आप इसकी CBI जांच करवाइए भर्ती घोटालों की और दूध का दूध पानी का पानी कीजिए। 2014 में केंद्र में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उन्होंने उत्तराखंड के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान के बेरोजगार नौजवानों के साथ एक वादा किया कि हम प्रत्येक साल 2 करोड़ बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देंगे। उसके बाद 2017 और उससे पहले जब इस प्रदेश में अभी 22 में जब इस प्रदेश के भाजपा के लोगों ने इस प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों से फिर वादा किया कि हम इस प्रदेश में डबल इंजन की सरकार हमें दे दीजिए, हम 2 लाख बेरोजगार नौजवानों को प्रत्येक साल रोजगार देंगे। विडंबना इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी ने इतने बड़े वादे करके इस प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों से लेकर माताओं, बहनों, युवाओं, बुजुर्गों के साथ इतना बड़ा अन्याय किया है कि आज उसका परिणाम आप देख रहे हैं कि इस प्रदेश के बेरोजगार नौजवान जब अपने हकों की लड़ाई लड़ते हैं उन पर लाठी चलाई जाती है, उन पर गोली चलाई जाती है, उनको जेल में ठोस दिया जाता, इससे बड़ी विडंबना और कुछ नहीं हो सकती। दूसरी एक और वादा भारतीय जनता पार्टी ने हम सबसे किया था, इस प्रदेश के महान जनता से किया कि हम जीरो टॉलरेंस की सरकार देंगे, लेकिन आज आपने देखा कि सबसे ज़्यादा अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार अगर कोई कर रहा है इन 22 सालों के इस प्रदेश, इस 23 सालों के इस राज्य में, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। जितने भी अभी तक जेल गए, जितने भी पेपर लीक मामले में जेल गए, वो लगभग 29 लोग भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, सरकार के संरक्षण वाले लोग हैं। तो आप कह सकते हैं कि इतनी बड़ी विडंबना, इतना बड़ा अन्याय और अत्याचार और कहीं नहीं हो सकता है। आज हम लोग टिहरी जनपद में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच के सहयोगी साथी आज हम सब लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हैं और राज्य सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि शीघ्र जो बेरोजगार नौजवान साथी हैं उन, जो जेल में, उनको रिहा किया जाए और जो उन्होंने कानून बनाया है पहले तो उस कानून को जनमानस के सामने लाना चाहिए था, एक बार उस पर डिस्कस होना चाहिए था, उस पर बहस होनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने सीधे विचलन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जब वो कर दिया तो वो तब से लागू होना चाहिए जब से इस प्रदेश में इस तरह की घटनाएं हुई और जो पूर्व में जो लोग जेल गए, 29 लोग जो जेल गए, उन पर भी उसी कानून के दायरे में रहकर हुए उसी कानून के अंतर्गत उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए और सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और जिन दोषियों को, जिन बेरोजगार नौजवानों को जेल में ठोसा गया उनको बिना किसी उसके ससर जो है उनको बाहर रिहा कर देना चाहिए।